बीती रात वन विभाग ने हतलाई बीट के कक्ष क्रमांक 281 के पास जंगल से सागवान की 20 सिल्लियां तथा बोलेरो पिकअप वाहन को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए। वन मंडलाधिकारी देवास पी एन मिश्रा के निर्देशन तथा एसडीओ वन कन्नौद एस एल यादव के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी सुश्री आर जी हरित तथा उड़न दस्ता वाहन के द्वारा हतलाई बीच के कक्ष क्रमांक 281 के पास से अवैध रूप से सागवान की 20 सिल्लियां तथा बोलेरो वाहन पकड़ा। आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एसडीओ वन श्री यादव ने बताया कि जब्त लकड़ी की कीमत करीब 83,000 रुपए है, वहीं बोलेरो वाहन की कीमत 3,00,000 रुपए के लगभग है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। 4 अगस्त की रात को करीब 12:45 पे मुखबिर की सूचना मिली, तो वैसे गश्त कर रहे थे सारे स्टाफ एसडीओ ऑफिस के वाहन से और उड़न दस्ते के वाहन से। जब गश्त करके वापस लौट रहे थे कन्नौज के आसपास, तो पुनः एक खबर लगी कि एक वाहन जो है हतलाई घाट की तरफ गया है, फिर उसका पीछा किया गया। तो हतलाई गांव से पास में कंपार्टमेंट नंबर 281 जो है उसके पास देखा तो एक वाहन खड़ा दिखाई दिया। वाहन खड़ा दिखाई दिया, उसको जाके पड़ोस में जाके देखा तो उसमें करीब 20 सागवान की सिल्लियां भरी हुई थी और वाहन जो है MP 43 के नाम से दर्ज है और आशिक पिता यासीन खान निवासी आस्था तिसल के गांव का है और जो जब्त किया है वाहन और लकड़ी उसकी कीमत करीब 3,83,000 है। जब्ती की कार्रवाई उपरांत वाहन को परिक्षेत्र कार्यालय कन्नौत के परिसर में लाके खड़ा किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।